अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नोमान वर्ट मोबाइल से और आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए हवावे के नए हैंडसेट की क्विक अनबॉक्सिंग और इसका फुल रिव्यू लेकर आए हैं जिसका नाम है हवावे Y7 Prime 2018। और आज हम इसकी क्विक अनबॉक्सिंग और इसका फुल रिव्यू करेंगे। सो गाइज, दिस इज द बॉक्स ऑफ हवावे Y7 Prime 2018 और हमारे पास ये जो बॉक्स है वो ऑलरेडी अनबॉक्स हुआ हुआ है और ये हमारे पास जो कंपनी की तरफ से ऐसे ही रिसीव हुआ है। और ये बॉक्स जो था, फ़ोन जो था, ये टेस्ट यूनिट था, इस वजह से रिव्यू यूनिट था। इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है इसके बॉक्स के अंदर मिसिंग है, जैसे कि इसका वारंटी कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो गई। और हमारे पास जो इस बॉक्स में जो चीज़ें आई हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, लेकिन आप मार्केट में जब जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इसके बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। और अब हम इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे इस बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है। और सो गाइस, सबसे ऊपर हमेशा की तरह आपको मिल जाता है स्मार्टफोन और इसको हम साइड पे कर लेते हैं। हमारे पास जो ये फ़ोन है ये ब्लैक कलर में है और इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। और इसके बॉक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास आई हैं इस बॉक्स के अंदर। और ये जी इसका सिम इजेक्टर टूल है, इसकी सिम स्लॉट्स को ओपन करने के लिए, ये आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर टूल है। और इसके नीचे ये इसका चार्जिंग अडेप्टर है हवावे Y7 Prime का, और ये 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का है। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलने वाली, आपको काफ़ी स्लो चार्जिंग मिलने वाली है। और इसके नीचे देख लेते हैं जी, ये इसकी USB माइक्रो डाटा केबल है हवावे Y7 Prime की, वाइट कलर में आप देख सकते हैं। और इसके साथ ये हमारे पास जस्ट ये हैंड फ्री आए हैं हवावे Y7 Prime के नॉर्मल क्वालिटी के। सो गाइस, अब मूव करते हैं हैंडसेट की तरफ, हवावे Y7 Prime 2018 को इसकी रैपिंग से बाहर निकाल लेते हैं। सो गाइस, दिस इज हवावे Y7 Prime 2018 और आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये फ़ोन है ये ब्लैक कलर में है। और हवावे Y7 Prime आता है स्लिम एंड स्मार्ट एंड लाइट वेट डिज़ाइन के साथ। और इसकी डिज़ाइन में जो बिल्ड मटेरियल जो यूज़ है वो प्लास्टिक यूज़ हुई है। और इसके बैक पैनल पे आपको मिल जाते हैं इसके डुअल कैमराज 13+2 विद LED फ्लैश के साथ। उसके साथ इसका नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और इसके नीचे हवावे की ब्रांडिंग हुई हुई है। इसके फ्रंट पैनल पे आपको मिल जाता है इसका 8 मेगापिक्सल कैमरा और इसके साथ इसके 8 पीस हैं और इसके साथ इसके सेंसर्स हैं। और इसके बॉटम पे आप देख सकते हैं इसमें हवावे की ब्रांडिंग हुई हुई है। इसकी राइट साइड पे आपको मिल जाता है इसका पावर बटन, इसके ऊपर इसका वॉल्यूम रॉकर्स, इसके टॉप जो है बिल्कुल एम्प्टी है। इसकी लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाते हैं इसके सिम स्लॉट जिसमें आप 2 नैनो सिम कार्ड और 1 माइक्रो SD कार्ड एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसके बॉटम पे आपको मिल जाता है इसका लाउड स्पीकर ग्रिल, इसके साथ इसका माइक, इसके साथ इसका USB माइक्रो पोर्ट और इसके साथ इसका 3.5 ऑडियो जैक। सो व्यूअर्स, अब मूव करते हैं हवावे Y7 Prime 2018 के डिस्प्ले की तरफ। हवावे Y7 Prime 2018 आता है 6-inch फुल व्यू डिस्प्ले के साथ विद 18:9 की एस्पेक्ट रेशो के साथ। इसकी स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है वो 720x1440 पिक्सल है और इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है 268 PPI है। और आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट है जिसको आप इजीली सनलाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम मूव करते हैं हवावे Y7 Prime 2018 के कुछ मजीद स्पेक्स की तरफ। हवावे Y7 Prime 2018 आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 435 की चिपसेट के साथ। इसके ऊपर आपको मिल जाता है इसका 1.40 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इस फ़ोन में आपको जो GPU दिया गया है वो एड्रीनो 505 है। इस फ़ोन की जो बिल्ट इन स्टोरेज है वो 32 GB है जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं विद डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के साथ। इसकी जो रैम है वो 3 GB है। इस फ़ोन में आपको जो एंड्रॉयड वर्जन दिया गया है वो 8.0 ओरियो है। इस फ़ोन की जो बैटरी है वो 3000 mAh की है। इस फ़ोन में आपको काफ़ी ज़्यादा सेंसर भी मिल जाते हैं, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर वगैरह। और अब हम मूव करते हैं हवावे Y7 Prime 2018 के बेंचमार्क स्कोर की तरफ। और हमारे पास जो हवावे Y7 Prime 2018 के जो बेंचमार्क स्कोर आए हैं वो हैं 58,418। सो व्यूअर्स, अब मूव करते हैं Y7 Prime 2018 की गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ। और जो मैंने हवावे Y7 Prime 2018 पे जो मैंने गेम्स प्ले की हैं उनमें एसफॉल्ट 8, टेकन, PUBG मोबाइल और इसका जो मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी
फास्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिलने वाली है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको मिल जाता है इसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट। इसके ऊपर आपको मिल जाता है इसका 1.40 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। इस फ़ोन में आपको जो जीपीयू दिया गया है वो एड्रीनो 505 है, और इस डिवाइस की जो बिल्ट इन स्टोरेज है वो 32 GB है, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं माइक्रो एसडी कार्ड के साथ। और इसकी जो रैम है वो 3 GB है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा गेमिंग प्ले मिलने वाला है, क्योंकि ये फ़ोन आता है 6-inch फुल व्यू डिस्प्ले के साथ विद 18:9 की एस्पेक्ट रेशो के साथ। सो व्यूअर्स, अब मूव करते हैं Huawei Y7 Prime 2018 के फेस अनलॉक और इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की परफॉर्मेंस की तरफ। और इसके बैक पैनल पे आपको इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है Huawei Y7 Prime 2018 के, और अभी हम इस पर अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर लेते हैं और इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी है। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फिंगरप्रिंट ID, और हम इसमें अपना फिंगरप्रिंट ऐड करने जा रहे हैं Y7 Prime 2018 पे, और इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कैसी है। और स्कैन करते हुए तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट लग रही है Y7 Prime के फिंगरप्रिंट स्कैनर की, और देख लेते हैं कि ओके, हमारा फिंगरप्रिंट स्कैन हो चुका है और इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसी है। काफ़ी फास्ट है इसकी परफॉर्मेंस, आपको टैप करना है और इट्स वर्क वेरी फास्ट। और इस प्राइस रेंज में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉक भी दिया गया है, और उसकी भी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अपना फिंगर फेस आईडी जो है ऑलरेडी जो है वो ऐड कर चुका हूँ, और उसकी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। आप फर्स्ट टाइम इसके पावर बटन को टैप करेंगे तो उसके बाद ये वर्क करेगा, उसके बाद इसकी जो है अनलॉक स्क्रीन आएगी उसके बाद ये वर्क करेगा, और इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इस प्राइस रेंज में आपको दोनों फीचर्स भी दिए गए हैं, और इसके फ्रंट कैमरे में आपको इसका LED फ्लैश भी दिया गया, और इसके बैक पैनल पर आपको इसके डुअल कैमराज भी मिल जाते हैं। सो व्यूअर्स, अब मूव करते हैं Y7 Prime 2018 के कैमरे की तरफ। इसके फ्रंट पैनल पे आपको मिल जाता है इसका 8 MP कैमरा विद LED फ्लैश के साथ, और इसके बैक पैनल पे आपको मिल जाते हैं इसके डुअल कैमरास 13+2 विद LED फ्लैश के साथ। इसके कैमरे में जो मोड दिए गए हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर मैंने जो इसके कैमरे जो पिक्चर क्लिक की है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसके कैमरे में आपको जो मोड दिए गए हैं उनमें HDR मोड, पैनारोमा, वाटरमार्क, फ़िल्टर और मोर में भी देख लेते हैं क्या है। और ये कुछ गुड फूड और डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह हैं, और इसमें आपको ब्यूटी मोड भी दिया गया है, और इसके जो सैंपल्स हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, इसके कैमरे जो मैंने पिक्चर क्लिक की हैं। और ये इसके बैक कैमरे का रिजल्ट है, इसके बैक पे आपको मिल जाते हैं इसके डुअल कैमरा 13+2, इसका जो मेन कैमरा है वो 13 है, और दूसरा जो बूके इफेक्ट वगैरह के लिए है। और ये इसके HDR मोड ऑन करके मैंने पिक्चर क्लिक की थी, और ये भी इसके बैक कैमरे का है, सैंपल है विदाउट HDR, और ये इसके बैक कैमरे का है विद ब्यूटी मोड, और ये विदाउट ब्यूटी मोड के साथ है ये पिक्चर। और ये इसकी फ्रंट कैमरे की सेल्फी है ब्यूटी मोड ऑन करके, आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। इसका फ्रंट कैमरे में आपको मिल जाता है इसका 8 MP कैमरा, इसमें आपको इसकी LED फ्लैश भी मिल जाता है, इसका फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। और इस प्राइस रेंज में आपको बैक पे डुअल कैमराज भी मिल रहे हैं, और फ्रंट और बैक दोनों पे आपको LED फ्लैश भी मिल रहा है, काफ़ी अच्छा इसमें आपको पैकेज दिया गया है। और ये भी इसके फ्रंट कैमरे के ही रिजल्ट्स हैं, सैंपल्स हैं, और ये इसके बैक कैमरे का रिजल्ट है HDR मोड ऑन करके, काफ़ी अच्छी पिक्चर्स ये क्लिक करता है, डिटेल आप इसके डुअल कैमरे से पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। और ये इसके फ्रंट कैमरे की सेल्फी है विद ब्यूटी मोड ऑन करके, और ये भी, और ये इसकी पैनारोमा शॉट क्लिक की थी इसके बैक कैमरे से, और ये सैंपल्स हैं पैनारोमा के। और ये इसके बैक कैमरे का रिजल्ट है HDR मोड ऑन करके, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आप इसके कैमरे से क्लिक कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी लो है, 20,000 ओनली, और इसमें आपको 18:9 के एस्पेक्ट रेशो के साथ आपको डिस्प्ले भी दिया गया है 6-inch डिस्प्ले। और ये भी इसके बैक कैमरे का सैंपल है विदाउट HDR, और ये इसके बैक कैमरे से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, और ये 1080p की रेजोल्यूशन में मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी इसके बैक कैमरे से। और इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसके बैक कैमरे का रिज़ल्ट। थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि थोड़ा सा जल्दी है आपको भी आइडिया हो जाए, काफ़ी अच्छा कैमरा है।
सो अब हम मूव करते हैं आगे, और ये इसके फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट है सेल्फी विद ब्यूटी मोड के साथ, और ये इसके बैक कैमरे का रिज़ल्ट है HDR मोड। सो गाइज, ये था Y7 Prime 2018 का फुल रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन लिंक आपकी लेफ्ट या राइट साइड पर आ रहा होगा, और कीप इन माइंड कि आप हमारे बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, दिस इज़ मी नोमान साइनिंग ऑफ फ्रॉम व्हाट मोबाइल रिव्यूज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।